तो मेरे भाइयों, क्या हालचाल। गेम की अफवाह के बाद सबको एक्टिव होना चाहिए था, इसके विपरीत सब डीएक्टिवेशन मोड में चले गए हैं। ना कोई लाइव करता है, ना कोई न्यूज भेजता है। आखिर क्या हुआ इस कम्युनिटी को? हर तरफ सब बस होपलेस बैठे हैं। होपलेस से याद आया कि तुम 19 के करोगे या मैं उम्मीद छोड़ दूं। चलिए शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट है पहाड़ी की तरफ से। तो पहाड़ी ने बताया है कि BGMI में उसका आइडल कौन है। BGMI आइडल कौन है ब्रो? सभी प्लेयर्स, वो सभी स्पोर्ट्स प्लेयर जो दिन रात अपनी घिस रहे हैं, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वो सब मेरे आइडल है भाई। सबके लिए रिस्पेक्ट है दिल से, सबके लिए भाई, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। अगली अपडेट है थक की तरफ से। तो थक ने बताया कि स्पोर्ट्स प्लेयर किन किन सोर्सेस से इनकम कर सकते हैं। अब तूने बात करी पैसे की, ओके, आई वांट टू नो दैट बिकॉज माय पॉडकास्ट इज अबाउट दैट। तो आई वांट टू नो कितना एक, लेट्स से, स्टार गेमर कितना कमा, लाइक इंडिया में तो बहुत पैसा है। व्हाट आर द, लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ, कितने सोर्सेज है। पहले तो एक सैलरी आती है जो रेगुलर गेम खेलने के लिए आ रही है, दैट इज वन। देयर आर मेजरली दो तीन सोर्स ही है। देयर इज अ सैलरी दैट वो हर प्लेयर को नहीं मिलता, वो लाइक स्काउट क्या सैलरी लेगा, मॉडल क्या सैलरी लेगा वाली बात है। सो एक ई स्पोर्ट्स प्लेयर की पहले बात करते हैं। ई स्पोर्ट्स प्लेयर गेट्स सैलरीज, ही गेट्स प्राइज पुल, जो इवेंट अगर वो जीतते तो ही गेट्स अ कट ऑन द प्राइज पुल। एंड थर्ड इज ही गेट्स स्पॉन्सरशिप्स। ठीक है, स्पॉन्सरशिप्स या तो टीम को आती है और समटाइम्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्ट्रैक्ट दे पास इट ऑन आफ्टर कीपिंग अ मेजर शेयर ऑफ कोर्स कॉल्स ऑफ स्पॉन्सरशिप और दे डोंट पास इट ऑन। सो उनके लिए यही तीन है। फोर्थ इज स्ट्रीमिंग। इंडिया में स्ट्रीमिंग कल्चर हैज ब्लोन अप अ लॉट, मतलब लोको एंटर्ड द मार्केट, यूट्यूबर्स डूइंग इनसेन स्टफ, वी हैव अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल डूइंग सो मच इन गेमिंग। तो वो बहुत मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू हो गया इन गेमर्स के लिए, क्योंकि उनको पास स्ट्रीमिंग कॉन्टैक्ट्स होते हैं, इनसेन कॉन्टैक्ट्स, मतलब पर मंथ आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड, अ डिसेंट कॉन्ट्रैक्ट इज 2 lakh rupees, अ ग्रेट कॉन्ट्रैक्ट गोज़ इनटू क्रोर्स। ठीक है, अनदर ऐसा फिगर्स है। तो वो एक रहता है विच अभी लास्ट 2 साल में काफी डोमिनेंट हो गया वो हर बंदे के अर्निंग में। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अ स्टार गेमर, स्काउट, हिज यूट्यूब रेवेन्यू, अब तो पोस्ट पेंडेमिक तो इट्स लाइक बहुत खराब हो गई है, बट यूट्यूब रेवेन्यू वॉज डेफिनेटली अ मेजर सोर्स। फैन फंडिंग यूट्यूब रेवेन्यू में जो भी बीच में मर्ज किया था इसने, वो स्पॉन्सरशिप डेफिनेटली फॉर्म द बिगेस्ट पार्ट ऑफ हिज लाइक रेवेन्यू। एंड देन द फोर्थ थिंग इज स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। इफ यू कुड बी टाइड अप विद यूट्यूब, यू कुड बी टाइड अप विद लोको एक्सक्लूसिवली, और यू कुड बी टाइड अप विद एनी अदर प्लेटफॉर्म। यही चार रहते हैं मेजरली। इट्स लाइक यू नो द स्ट्रीमिंग कॉन्ट्रैक्ट प्लस द ब्रांड स्पॉन्सरशिप। स्ट्रीमिंग एंड स्पॉन्सरशिप आर द मेजर मेजर सोर्स ऑफ मेजर अर्निंग्स, मेजर अर्निंग्स। दैट्स व्हाई। एंड हाउ मच डू यू अर्न? गिव मी अ रफ फिगर, डोंट टेल मी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, मतलब रेवेन्यू बता दे। ये बता भाई, ये तो यही सब संभालता है। ही डज अ गुड 1 million, 2 million, 3, मतलब 7 crore, 8 crore, किससे कम, किससे ज्यादा, मतलब 10 crore से ज्यादा, 15 crore से ज्यादा, साल में कितना करता है? Like he does less than, I would say, 2 million, less than 2 million, मतलब 16 crore से कम, 16 crore से कम, मतलब 10 से ऊपर एक साल में, कुछ नहीं। And that's, हाँ तो भाई ये बोल दिया उसने। So it also depends. Less than 2 million तो 2 lakh भी होता है। Yeah, so I have an interesting point यहाँ पे। हाँ ये। So इसमें बहुत important point है कि what's happening in the industry, games ban. Major rule. So if BGMI is there, scout would ball, मतलब he could. So आपको मैं ऐसे बताता हूँ, very good और अच्छा perspective देता हूँ। If the game is there and scout is performing and the like tournaments आ रहे हैं and एक साल मतलब April to March का हमें पूरा run मिल गया, he would do something close to 15 crores. Okay. पर वो run मिलना होगा अब हमें, like 2022, 2023, unfortunately मिला नहीं. Okay. If it's not happening, he would do below 10 crores. Okay. That's the impact. मतलब डबल ही हो जाता अगर कि गेम चल रहा है और स्टार गेम। मतलब टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव, आवर रेवेन्यू गॉट वाइप्ड ऑफ बाय 50% आई वुड से विद द बैन, माय कंपनी टर्नओवर। अब बढ़ते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है गैस द प्लेयर। कल का आंसर था TSG लेजेंड, आज की हिंट है कि ये स्पोर्ट्स प्लेयर रोज लाइफ का बोल के गायब हो गया YouTube से। नेक्स्ट अपडेट है लिडोमा ट्राइसरी से, तो उसे जीत लिया PVS गेमिंग ने। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। सेकंड पर रही TSG आर्मी एंड थर्ड पोजिशन पर रही बिग ब्रदर ई-स्पोर्ट्स। अगली अपडेट है KD की तरफ से। तो KD ने बताया है कि उनकी टीम के अलावा बेस्ट ई-स्पोर्ट्स टीम कौन सी है। भाई पार्टी भाई आज आपके साथ खेल रहे थे यार लड़ाओ में। यस भाई, बेस्ट ई-स्पोर्ट्स टीम एक्सेप्ट कॉस्मिक BB right now।
अब हम भरते अगले सेक्शन पे जिसका नाम है प्रेडिक्शन टाइम। कल कुछ लोगों ने विराट कोहली का नाम लिया था, आज बताओ WTC जीतने के किसके ज्यादा चांस हैं? नेक्स्ट अपडेट है वाइपर की तरफ से, तो वाइपर ने बताया TSG में उनका फेवरेट प्लेयर कौन है। TSG में फेवरेट प्लेयर कौन है? ओजस्वी था जब वो हुआ करता था। ओजस्वी हैज बीन अ टॉप गाय फॉर मी ऑलवेज। अगली अपडेट है फौजी भाई की तरफ से, तो फौजी भाई के हिसाब से गेम आने का टाइम हो गया है। भाई आजकल टूर्नामेंट सब बंद हो गए हैं, बट अब गेम आने का टाइम आ गया। कदा सुन भाई, आपको सुनने में तो आया था, पता नहीं सही था गलत था। बस सुनने में आता है हमको भी। कमाल है रे बाबा, अब तक तो उसको आ जाना चाहिए था। पता लगाओ कि पीपी वालों को अब गरीना ने ऐसा क्या बोल दिया है कि ये बता भी नहीं सकते और छुपा भी नहीं सकते। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। चलो हम मिलेंगे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।